वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर चलिए आज सिंटैक्स का नमो नियम नियम से बताते हैं रूल नंबर नौ से इसके पहले हमने रूल नंबर आठ तक बता दिए हैं यदि आप नहीं पढ़े हैं पहले उसको पढ़ लीजिएगा ठीक है रूल जो है रूल नो यदि यदि किसी यदि किसी नाउन नाउन को, नाउन को, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद दोहराया दोहराया जाए तो सिंगुलर भाव का प्रयोग होता है ठीक है देखिए यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो सिंगुलर भर का प्रयोग होगा जैसे इस पर एग्जांपल लेते हैं देखिए सिप शिप आफ्टर शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग सेलिंग बाकी शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय ऑप्शन जो है इज या आर ठीक है इज या आर सीप आफ्टर सीप डैश सेलिंग बाय फुल स्टॉप क्या है इज या आर देखिए नियम क्या लिखा है यदि किसी नाउन को प्रिपोर्सन के बाद दोहराया जाए तो सिंगुलर भार का प्रयोग होता है क्या होता है तो सुनर भर का प्रयोग होता है अब देखिए सीप आफ्टर सीप ठीक है सीप आफ्टर सीप देखिए ये क्या है प्रीपोजिशन है ये क्या है प्रीपोजिशन है तो क्या नियम है यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो सुनर भर का होता है देखिए ये प्रीपोजिशन है देखिए यहाँ सीप है फिर प्रीपोजिशन के बाद फिर सीप आया है ठीक है सीप है ना फिर देखिए सिपाया है ये दो बार आ गया ये क्या आ गया देखिए यहाँ पर यह सिप सिप दो बार आ गया ये क्या होगा सिंगलर तो सिंगलर क्या होता है इज़ ठीक है इज़ इज क्या होता है सिंगलर और आउटपोलर होता तो इज़ लगा दिए इतना लगा है जब कोई प्रीपोर्सन बाद नाउन को दोहराया जाए देखिए तो आफ्टर प्रीपोर्सन है और इसके पहले क्या है सिर्फ नाउन है इसके बाद भी नाउन है ठीक है इसी नाउन को दो बार लिखा गया है तो सिंगलर भरा का प्रयोग होगा तो इज लिख दिए चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सिटी आफ्टर सिटी सिटी डैश डेस्ट्रॉयड डेस्ट्रॉइड ठीक है ऑप्शन जो होगा वाजिया वेयर ठीक है सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड ऑप्शन में क्या होगा वेयर आप देखिए इसमें देखिए आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन है आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन देखिए आफ्टर पहले सिटी है इसके बाद भी सिटी है तो दो नाउन को दो बार लिखा गया है ये नाउन है ना सिटी सिटी को दो बार लिखा गया है तो सिग्नल भर प्रयोग होगा यहाँ क्या हो जाएगा वाच ठीक है

डैश पासिंग बाय ठीक है ऑप्शन में जो है इज या आर देखिए तो यहां पर देखिए वन आवर आफ्टर एन अदर आवर डैश पासिंग बाय तो यहां पर देखिए देखिए ये आफ्टर नाउन अथी प्रिपोरेसन है ये क्या है आफ्टर क्या प्रिपोर्सन है देखिए ऑवर ऑवर है ना देखिए एक ऑवर यहाँ भी आया है और एक ऑवर यहाँ भी आया है ये दो बार आया है रिपीट हुआ है दो बार रिपीट होगा तो सिंगलर भर कर प्रिय होगा यानी कि प्रिपोरे ये प्रे, आफ्टर प्रिपोर्सन है और प्रिपोर्सन पहले ये आवर ठीक है नाउन हो गया घंटा घंटा तो हम गिन सकते हैं इसके बाद भी ऑवर आ गया दो बार आ गया तो सिंगलर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज होता है सिंगलर इजी लिख दिए ठीक है और होता है पुलर पार्ट वन वीडियो हमने बता दिए हैं कि कौन सिंगलर कौन पुलर होता है देखिए अगला देखिए एग्जांपल वन वन मैन आफ्टर in other in other man does does sort dead sort dead ठीक है क्या हुआ sort dead ऑप्शन जो है वाज़ ये क्या हो गया वेयर ठीक है वन मैन आफ्टर मैन डैश शॉर्ट डेट अब यहाँ देखिए ये आफ्टर क्या है ये आफ्टर क्या है ये प्रिपेशन हुआ अब देखिए इसके पहले नाउन क्या है मैन है इसके बाद भी नाउन है यानी प्रिपेशन के बाद दो नाउन आ गया आफ्टर भी मैन आ गया इधर ये रिपीट हो गया दो बार आ, आ गया ठीक है तो सिंगर भाई का प्रयोग कर यहाँ पर क्या हो जाएगा वाज वाज होता है सिंगलर और वेर क्या होता है पूलर तो नियम क्या है जब दो नाउन को प्रिपोषण बाद दोहराया जाए किसी नाउन को प्रिपोषण बाद दोहराया जाए तो सिंगलर भर का प्रयोग होगा तो यहाँ पर देखिए आपका प्रिपोषण है इसके पहले मैं नाउन है इसके बाद भी दो बार रिपीट लि, हुआ है इसलिए यह क्या हो गया सिंगलर हो गया ठीक है चलिए एक एक प्रॉब्लम लेते हैं देखिए देखिए लेटर लेटर आफ्टर लेटर डेस्क्राइब डेस् डिस्क्राइब्स हर डिस्क्राइब हर टेंडर ठीक है टेंडर टेंडर फीलिंग फीलिंग्स देखिए यहां पर हमें इन द ब्लैंक्स में हमको ये देना था ठीक है ये ब्लैंक्स में हमको देना था हम पहले आंसर लिख दिए थे ठीक है ये है मान लीजिए बाद में समझा देते हैं देखिए ऑप्शन जो आपका आएगा डेस्क्राइब describe, डेस्क्राइब्स या डेस्क्राइब ठीक है देखिए यहाँ पर जो है देखिए लेटर आफ्टर लेटर ठीक है लेटर आफ्टर लेटर यहाँ पर पहले हमको डैच दे पहले आंसर लिखा गया ठीक है डिस्क्राइब्स तो हर टेंडर फीलिंग्स देखिए ऑप्शन में आपको दिया जाएगा डिस्क्राइब्स या डिस्क्राइब ठीक है देखिए जो भी फाइव होता है क्या होता है ये सिंगलर होता है देखिए ये वी फाइव है तो ये क्या हो गया ये सिंगलर हो गया सिंगलर हो गया और ये, ये क्या हो गया पुलर हो गया देखिए लेटर आफ्टर लेटर तो यहाँ पर देखिए आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन है इसके पहले क्या है लेटर नाउन है इसके बाद भी लेटर है तो ये दो बार रिपीट हुआ है के बाद इसलिए सिंगलर भर का प्रयोग हुआ तो ये जो है ये यह डेस्क्राइब यहाँ फिलिंग बैलेंस था ठीक है डेस्क्राइब यहाँ पर लिख दी जो भार होता है भार का जो अपना मूल रूप होता है वो मन रहता है, उसमें अस यस लगा सिंगलर बनाया जाता है तो यह डेस्क्राइब था इसमें एस लग गया तो ये सिंगुलर हो गया देखिए रूल दस ठीक है रूल दस गलासेस ग्लासेस सूज सूज पैंट्स पैंट्स सीज़र्स, सी टोजर्स ट्रोजर्स स्पेक टेकल्स, टोंग्स टे पैजामा ठीक है ग्लासेस शूज पैंट्स सीजर्स ट्रोजर्स इस्पेक्ट इस्पेक्टेकल्स टोंग्स पैजामा ठीक है ये सब रहे तो ये सब रहे तो ये सब रहे तो पुलुरल भार्व का प्रयोग होगा ठीक है देखिए ग्लासेस शूज पैंट्स सीजर्स ट्रोजर्स स्पेक्टेकल्स टोंक्स पैजामा ये सब रहे तो पुला भाग का प्रयोग होगा देखिए ये कोई भी वर्ड रहे तो आपको पुला भाग का प्रयोग करना है ठीक है लेकिन एक अपवाद है एक लेकिन लेकिन इनके पहले इनके पहले लेकिन इनके पहले इनके पहले ए पेयर ऑफ रहे तो ए पेयर ऑफ रहे तो सिंगुलर भर्ब का प्रयोग होगा ठीक है <laughs> देखिए ये सब सिर्फ अगर ये सब वर्ड रहता है तो आपको पोलर भरकर प्रयोग करना है सिर्फ अगर ये पेयर ऑफ आ जाता है एक जोड़ा हो जाता है तो आपको सिंगलर भरकर प्रयोग करना है जैसे पे देखिए उदाहरण यहां पर माई माई सीजर्स डैश डैश शार्प माई सीजर्स डैश शार्प ठीक है ऑप्शन जो होगा इज या आर क्या होगा ऑप्शन में ठीक है माई सीजर्स डैश शार्प ऑप्शन होगा इज या आर देखिए तो क्या लिखा है मैंने ऊपर क्या लिखा है ये सब रहे तो क्या होगा पुलर भ्र का प्रयोग होगा देखिए ये क्या है ये सीजर्स हो गया ठीक है सीजर्स सीजर्स है तो ये सब रहे तो क्या होगा पुलर भ्र का प्रयोग होगा तो देखिए इज हुआ सिंगल और हुआ पुलर तो ये और कर दीजिए और लगा दीजिए सिर्फ देखिए सिर्फ ये वर्ड वर्ड रहे सीजर्स सिर्फ सीजर्स को देखना है ये वर्ड मिला आपको पुलर भाव कर देना है दूसरा एग्जाम्पल देखिए योर ट्रोजर्स टॉजर्स आर वेरी वेरी लूच ठीक है वेरी लूज ऑप्शन जो होगा इज या आर ऑप्शन क्या होगा इज या आर ठीक है योर टोजर्स डैश वेरी लूज ऑप्शन इज आर है अब देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या देखिए ट्रोजर्स दिखाए थे ऊपर में अभी ट्रोजर्स देखिए वर्ड दे। ये क्या है ट्रोजर्स है ये ट्रोजर्स तो क्या है पुलर होगा ट्रोजर्स है तो क्या होगा ये और होगा क्योंकि ई सिंगर होता है और, और ये पुलर होता है चलिए अगला एग्जाम्पल लीजिए माई स्पेक टेकल्स डैश फॉल्टी ऑप्शन होगा या और ठीक है आप देखिए यहाँ पर देखिये स्पेक्टेकल्स स्पेक्टेक ठीक है यहाँ देखिए स्पेक्टेकल देखे इस्पेटल्स देखिए हम लिखा है ना क्या स्पेटेकल्स e है तो ये सब रहे तो क्या पुलर होगा तो ये क्या हो गया पुलर होगा यहाँ पर क्या होगा और क्योंकि ईज होता है सिंगलर और होता है पुलर इस पैकेट अनुसार लगेगा देखिए चौथा एग्जांपल देखिए ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ शूज ए पेयर ऑफ शूज डैश प्रजेंटेड टू हिम ठीक है पेयर ऑफ शूज डैस प्रेजेंटेड टू हिम देखिए ऑप्शन जो है इज होगा इज या आर अब यहां पर देखिए देखिए शूज है ठीक है ये शूज है पुलर होगा लेकिन यहां पर देखिए ए पेयर ऑफ हो गया ए पेयर ऑफ आ गया ठीक है ये सूज के पहले क्या हो गया ए पेयर ऑफ आ गया तो सुंगा का प्रयोग होगा देखिए यहाँ पर यहां पे लिखा है ना देखिए लेकिन इनके पहले ए पेयर ऑफ रहे तो सुंगा का प्रयोग होगा ठीक है देखिए सूज है न यहाँ पर देखिए सूज है सूज। देखिए यहाँ पर सूज है तो पुलर होना चाहिए लेकिन लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ है लेकिन इनके पहले इनके पहले क्या होगा ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ तो क्या हो गया देखिए ये क्या हो गया देखिए सूज सिर्फ सूज रहता तो पुलर रहता लेकिन इसके पहले ए पेयर ऑफ आ गया तो क्या होगा सिंगल भर का पेयर होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा इच ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ सीजर्स सीजर्स ठीक है डैश बीन बाउट बीन बाउट ऑप्शन जो होगा पेयर ऑफ सीजर्स बीन बाउट ऑप्शन में क्या होगा हाइज है, है। तो यहाँ पर देखिए देखिए सीजर्स है क्या ये सीजर्स है तो ये देखिए अगर ये पेयर ऑफ नहीं रहता ये ये पेयर ऑफ नहीं रहता तो पुलर होता लेकिन इसके पहले क्या है फिर देखिए देखिए सीजर्स सिर्फ सीजर्स रहता तो क्या होता पुलर होता लेकिन इसके पहले क्या है ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ है तो क्या हो जाएगा पुलर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ सॉरी ये यह सिंगलर होगा देखिए ए पेयर ऑफ रहे तो क्या हो जाएगा सिंगलर तो यहाँ पर ये यह हैज हो जाएगा देखिए जितना भी ये वर्ड सब बताए हैं आपको इतना ही ध्यान रखना है ठीक है ये जितना ये जितना वर्ड है ये ये जितना वर्ड बताए हैं ये सब जितना वर्ड बताए हैं ठीक है ग्लासेस शूज पैंट्स सीजर्स टोजर्स स्पेक्टिकल्स टोंग पैजामा ये सब रहे तो पुलर भाव पे होगा यानी ये सब कोई भी वर्ड रहेगा तो आपको पुलर भाव देना है यदि इनके पहले जो है ना एक पेयर ऑफ लग जाता है तो आपको सिंगलर देना है ठीक है बस आपको इतना ही ध्यान देना है ठीक है तो देखिए कि फिर से बोलते हैं कि वर्ड ये सब वर्ड है तो क्या होगा ये पुल्ला भाग का प्रयोग होगा ए, आपको ए पेयर ऑफ अगर दिख सवाल में आ जाए आपको सिंगलर भाग का प्रयोग होगा ठीक है अब अगले वीडियो में ग्यारह नंबर रूल से बताएंगे ठीक है आप पार्ट वन वीडियो से आप पढ़ लीजिए आपका टोटली सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा